हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परियोजना विधि के बारे में। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। परियोजना विधि क्या है, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। परियोजना विधि को हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। यह जो विधि है, दर्शन की प्रमुख विचारधारणा प्रयोजनवाद पर आधारित है, यानी प्रगटिज्म पर आधारित है। यह एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से सभी विषयों की शिक्षा दी जा सकती है, ठीक। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि छात्र संबंध, सहयोग एवं क्रियाविधि द्वारा सीखते हैं। इस विधि में तथ्यों का संकलन एक केंद्रीय लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। प्रयोजनवाद, परियोजनावाद या प्रोजेक्ट मेथड के जो जन्मदाता थे वो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री विलियम किलपैट्रिक हैं। इन्होंने इस विधि द्वारा शिक्षा के सभी अंगों को एक सूत्र में बांधकर शिक्षण को जीवनोपयोगी एवं रुचिपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है। किलपैट्रिक के अनुसार क्या था, योजना या प्रोजेक्ट यह वह सौदेश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। प्रोफेसर स्टीवेंसन के अनुसार क्या था, प्रोजेक्ट या योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। पांचवा, बेलॉर्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि योजना या प्रोजेक्ट जो है छात्रों के वास्तविक जीवन से संबंधित किसी भी समस्या का हल खोज निकालने के लिए अच्छी तरह से चुना हुआ, हाथ में लिया जाने वाला वह कार्य है जिसे पूर्ण स्वाभाविक परिस्थितियों में सामाजिक वातावरण में ही पूरा किया जाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं योजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड के गुण। पहला गुण है मनोवैज्ञानिक विधि। यह विधि जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों, चेष्टाओं का ध्यान रखती है। दूसरा है मानसिक विकास के लिए उपयुक्त। इसमें छात्र समस्या समाधान हेतु स्वयं चिंतन करते हैं और विभिन्न पक्षों के मध्य कार्यकरण संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि उनमें मानसिक रूप से विकसित उनको जो है मानसिक रूप से विकसित होने की उनकी संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है क्या, आत्मविकास। छात्र इस विधि में स्वयं मूल्यांकन करते हैं, साथ ही उन्हें उनमें जो है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा आत्मप्रकाशन का अच्छा अवसर मिलता है। चौथा है सामाजिक गुणों का विकास। योजना या प्रोजेक्ट के चुनाव से लेकर उसकी समाप्ति तक विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने, विचारने, अपना मत व्यक्त करने, निर्णय लेने और कार्यान्वित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। इन सभी क्रियाओं में जो बालक है अपने को समाज के अनुकूल ढालता है, जिससे उसमें जो है सामाजिक गुणों का विकास होता है। पाँचवा जो गुण है वह है अस्थायी एवं स्पष्ट ज्ञान। इस विधि द्वारा जो है विद्यार्थी सक्रिय होकर पूरी लगन और प्रत्यक्ष अनुभव एवं क्रियाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है व्यवहारिक होने के कारण उसे स्थायी और स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। योजना विधि का जो छठा गुण है वह है कि विकास के समान अवसर। इस विधि में जो है प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है। फलस्वरूप कोई भी छात्र स्वयं को उपेक्षित अनुभव नहीं कराता, इसलिए सबके लिए विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। सातवां है गृह और समाज से संबंधित। इस विधि में विद्यालय का गृह एवं समाज के साथ जो है घनिष्ठ संपर्क बना रहता है, क्योंकि विद्यालय में अर्जित ज्ञान गृह और समाज की परिस्थितियों के समरूपी होता है। विद्यालय का प्रारूप जो है एक लघु समाज जैसा होता है। अब हम योजना या प्रोजेक्ट विधि के जो है दोष देखेंगे। तो ये दोष है योजना या प्रोजेक्ट विधि के निम्नलिखित दोष है। पहला है अधिक महंगी। यह विधि जो है ना, चाहे किसी भी योजना को लेकर चला जाए उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है, इसलिए अन्य विधियों की अपेक्षा यह विधि भी अधिक महंगी है। दूसरा, अव्यवस्थित पाठ्य विधि। इस विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम को एक व्यवस्थित रूप से समाप्त करना कठिन होता है। तीसरा है गहन अध्ययन संभव नहीं। इस विधि में पाठ्य वस्तु का चयन विभिन्न स्थानों से किया जाता है, इस कारण किसी भी विषय का गहन व क्रमबद्ध अध्ययन संभव नहीं है। चौथा है उचित मूल्यांकन संभव नहीं। इस शिक्षण विधि में वर्तमान में प्रचलित मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग कठिन होता है। पांचवा जो दोष है वह यह है कि प्रत्येक विद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं। इस विधि में जो है प्रयुक्त होने वाले साधन
साधारणतः प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध नहीं होते हैं, ना तो इनमें कुशल अध्यापक ना तो साधन ही उपलब्ध होते हैं। तो ये थे परियोजना विधि, उनके गुण व दोष। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।